पंजाब के अपराध की दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर देखने को मिली जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, जिसका नाम बताया गया दीपक उर्फ टीनू, टीनू हरियाणा भी उसे कहा जाता है, उसने पंजाब पुलिस के मानसा सीआईए की कस्टडी से फरार होने की हिमाकत की है। उसने मानसा पुलिस की आंखों में धूल झोंका और वहां से वो फरार हो गया। पंजाब में इस खबर को लेकर अब चर्चा हो रही है। दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा के पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद अब पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जगह जगह पुलिस की टीमें दबिश मार रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर का रिएक्शन क्या है वो बताएंगे आपको। सोशल मीडिया पर अब किस तरह की बातें टीनू हरियाणा को लेकर कही जा रही हैं, क्या टीनू हरियाणा का एनकाउंटर हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर यूजर बोल रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी टीनू हरियाणा का एनकाउंटर पुलिस कर सकती है और एनकाउंटर से पहले की प्रक्रिया ये हो सकती है। खैर, इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। दूसरी चर्चा इसी बात पर होगी कि पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उनका कहना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान उनका सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि ये तो छोटी मोटी घटना है और ये घटना होती रहती है। क्या गैंगस्टर फरार हो गया पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ये छोटी मोटी घटना है? बहरहाल इन दोनों ही बातों को लेकर आज समीक्षा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो में आपको एक एक बातें विस्तार से बताएंगे कि टीनू हरियाणा कैसे सीआईए की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया, उसने सीआईए को आखिर कौन सी पट्टी पढ़ाई कि सीआईए जैसी खतरनाक पुलिस की टीम भी अब इस गैंगस्टर के बातों में आ गई और उससे अपना हाथ धो बैठी, यानी कि पंजाब पुलिस के ऊपर जब ये सवाल उठ रहे हैं तो आखिर ऐसा जो सीन क्रिएट किया गया वो सब कुछ करने में दीपक टीनू कैसे सफल हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो जैसा मैंने पहले कहा, टीनू हरियाणा उर्फ दीपक उर्फ टीनू, इसके कई नाम हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास शूटर है। इसके ऊपर करीब 34 से 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं और सिर्फ एक राज्य में नहीं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, चार चार राज्यों में इसके खिलाफ 34 से 35 मामले दर्ज। दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा, हरियाणा के नारनौल जिले का रहने वाला है और ये संपत नेहरा का सबसे खास साथी कहा जाता है। दीपक टीनू के बारे में कहा जाता है कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में इसे महारत हासिल है और इससे पहले ये 3 बार फरार हो चुका था, 3 से 4 बार। और टीनू हरियाणा का सबसे चर्चित जो भागने वाला केस कहा जाता है वो ये है कि जब उसे एक बार अंबाला जेल से पेशी पर लाया जा रहा था तो रास्ते में संपत नेहरा ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में इसकी पूरी मदद की थी और ये और संपत नेहरा, यानी कि टीनू और संपत ने मिलकर पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंका और वहां से वो फरार हो गए थे। हालांकि उसके कुछ महीनों बाद इनकी गिरफ्तारी बेंगलुरु से हुई थी, लेकिन जब एक बार फिर से ये फरार हुआ है तो पंजाब पुलिस की सीआईए की उस टीम को लेकर कहीं ना कहीं अब माथापच्ची चल रही है जिस टीम के कस्टडी में ये था, जो टीम इसे कपूरथला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आ रही थी। तो पंजाब पुलिस की सीआईए की उस टीम पर कई सारे सवाल या निशानियां खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसे प्राइवेट व्हीकल में क्यों लाया जा रहा था, उसे पुलिस की सरकारी गाड़ी में क्यों नहीं लाया जा रहा था, उसके हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई थी, उसको लेकर सुरक्षा अलर्ट क्यों नहीं घोषित किया गया था। दरअसल कहा जा रहा है टीनू हरियाणा बहुत ही शातिर की किस्म का गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी बदमाश हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह से अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और पुलिस को चकमा देने में उन्हें महारत हासिल होता है। तो टीनू हरियाणा के बारे में कहा जा रहा है कि उसने मानसा सीआईए से ये कहा था कि मैं आपको ऐसे जगह रेड मरवाऊंगा, ऐसे जगह रेड डालने के लिए मैं आपको आज खुलासा करने वाला हूं जहां से आपको भारी मात्रा में अवैध हथियारों की जो है प्राप्ति होगी, यानी कि बहुत सारे आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ करने वाला हूं मैं। सीआईए इसकी बातों में आ जाती है और इसे एक प्राइवेट कार में रखती है और वहां से इसे ले जाती है। ना तो इसके हाथों में हथकड़ी होती है और ना ही इसको लेकर किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था बरती जाती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। इसे भागने का पूरा मौका मिल जाता है और ये भाग जाता है, लेकिन इसके भागने के साथ साथ पंजाब पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे केस में तो ये अंदर गया नहीं था। ये सिद्धू मूसेवाला जैसे चर्चित हत्याकांड में इसका नाम सामने आया था और कहा जा रहा है कि 29 मई से 2 दिन पहले, यानी कि 27 मई को जब इसने लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत की थी तो उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर काफ़ी कुछ जिक्र किया था उसमें, तो इन सब बातों को लेकर इससे पूछताछ चल रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से ये पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया तो अब पुलिस को कहीं ना कहीं अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जिस तरह से इसकी फरारी पुलिस दिखा रही है तो हो ना हो सोशल मीडिया पर ये लोग दावा कर रहे हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में चल रही खबरों की माने लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस उसका अभी फरारी दिखा रही है जबकि वो फरार नहीं हुआ है और कुछ उसका 4 से 5 दिन के बाद एनकाउंटर कर दिया जाएगा और पुलिस ये दिखा देगी कि
एनकाउंटर कर दिया गया और वो भाग रहा था कुछ इस तरह से। तो हालांकि ये बातें हम समर्थन नहीं करते हैं, ना तो इन बातों की पुष्टि करते हैं। हमारे इस बात को बताने का उद्देश्य यह है कि सोशल मीडिया पर इस गैंगस्टर को लेकर चर्चाएं किस तरह से चल रही हैं। तो चर्चाएं कुछ इस तरह से चल रही हैं। तीसरी अहम बात इस खबर में ये देखने को मिली, पंजाब के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उनसे जब पंजाब के मोगा जिले में पहुंचे थे और वो समीक्षा करने के लिए, तो उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया इस मामले में। तो उन्होंने कहा कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, होती रहती हैं। अब आप बताइए कि सिद्धू मूसेवाला केस में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी फरार हो जाता है, तो क्या ये छोटी मोटी घटना है? एक जिम्मेदार मंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्दों का निकलना कितना सही लगता है? अगर यही बयान विरोधी पार्टी के नेता अगर सत्ता में होते वो देते, तो सामने वाली पार्टी क्या बोलती? इस तरह का बयान देना कैबिनेट मिनिस्टर को शोभा देता है। हालांकि उन्होंने जांच पड़ताल करने की बात कही है, लेकिन जब मुंह से शब्द निकल गया तो उसे पकड़ने में तो देरी लगती नहीं है। अब मीडिया हो या फिर विपक्ष के लोग हों, अब धालीवाल साहब को लेकर खींचतान कर रहे हैं। एक तरफ तो पंजाब की पुलिस इस तरह से हरकतें कर रही है, पंजाब की पुलिस को इन गैंगस्टरों को लेकर कितना सतर्कता है ये देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मंत्री साहब ऐसा बयान दे रहे हैं। तीसरी तरफ एक पुराना बयान भी अरविंद केजरीवाल साहब का निकल कर सामने आ रहा है कि जो दिल्ली में हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि दिल्ली की पुलिस हमारे हाथों में होती तो दिल्ली के अंदर अपराध मुक्त कर देते हैं। तो लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि पंजाब की पुलिस तो है आपके हाथ में, पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल कीजिए और पंजाब में कम से कम अपराध को कंट्रोल करिए। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या टीनू हरियाणा पकड़ा जाएगा, क्या टीनू हरियाणा का वास्तव में एनकाउंटर किया जाएगा जैसा कि लोग अंदेशा जता रहे हैं। खैर, जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन टीनू हरियाणा को लेकर आपका क्या कहना है? उस मंत्री साहब यानी कुलदीप सिंह धालीवाल के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार पंजाब में अपराध को कंट्रोल करने में असफल साबित हो रही है? अपने जवाब नीचे जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जिस तरह से हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं इस तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमारी आवाज़ बनिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप पंजाब में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं या फिर गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो आप ऐसी खबरों को ज़रूर देखिए, क्योंकि इन खबरों को देखने के बाद आपको सतर्कता कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक बार फिर से आपको नमस्कार करता है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।